अस्सलामुअलैकुम, बरीराज ब्यूटी के साथ हाज़िर हूँ। जी हाँ, मैंने कुछ रैंडम शॉपिंग की है तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आपको मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ऐसी लेकर आई हूँ मतलब एज़ पर नीड मैंने ये शॉपिंग की है। सबसे पहले तो ये नोवेला मिल्क चॉकलेट मज़े की लगती है मुझे तो, वैसे ही बस खाने के बाद कभी दिल करता है बंदे को खाने को तो खा ली। नेस कॉफ़ी मुझे ये बहुत पसंद है, चिल है तो ये ले आई सर्दियों में, क्योंकि सर्दियां चल रही है, सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये तो मुझे नहीं लेना था लेकिन ये वहाँ पे जो है वो जो सेल्स गर्ल थी उसने बोला कि बहुत अच्छा है, आप यूज़ करें। चिली गार्लिक सॉस ये शेंगरेला से ज़्यादा अच्छा है तो मैंने ले लिया। ये तकरीबन 135 का था, ये 225 का है। अब मुझे नहीं पता आपकी जगह पे क्या प्राइस होगी लेकिन यहाँ पे यही था। बाकी मैं ये एक ब्राउन ब्रेड जो है वो डॉन की लेकर आई हूँ, ये मुझे पड़ी है 85 की। ये मैंने सोचा था कि डाइटिंग के पर्पस से, लेकिन जो मिठाइयाँ मैं लाई हूँ वो डाइटिंग का बेड़ा गर्क कर देती है। और ये मैंने जो है वो माय ऑल टाइम फेवरेट ज़ीरा जो कि हर खाने में यूज़ होता है, इसी तरह जो है सेकंड शॉप पर है ये। अच्छा, ये जो है मैं अपनी बेटी के लिए बिंगो लाई हूँ। ब्लू बेरी फ्लेवर है, मुझे भी बहुत पसंद है ब्लू बेरी फ्लेवर, उसको भी बहुत पसंद है, वो तो खाती जाती है। बाकी चॉकलेट से फिर भी दिल भर जाता है लेकिन ये बहुत खाती है वो, माशाल्लाह से। अच्छा, ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी हाउ टू रिमूव द बॉडी स्मेल, तो ये तो भाई बहुत लाजमी पार्ट है मेरी हाइजीन का, ठीक है। और क्या है, और इसमें जनाब ये मैं दिखाती हूँ अभी खोल के आपको, मिठाइयाँ। अच्छा, ये कोई पैकेज था, वैसे मुझे इसके शैम्पू बहुत पसंद है, ट्रिस्मी के कैराटीन के बहुत पसंद है तो जो है ये इसलिए मैंने ली। जी हाँ, ये ट्रिस्मी का है कैराटीन शैम्पू और कंडीशनर, ये मैंने छोटे पैक में लिया, 100 रुपीज़ सेफ थे तो मैंने इसी वजह से ये ले लिया है। और ये प्रोफेशनल कैराटीन स्मूथ हेयर के लिए है, बहुत ही अच्छा है। मैं बड़ा साइज़ ले रही थी लेकिन मैंने बोला चलो ये छोटा वाला यूज़ करती हूँ, इसमें बचाते 100 रुपीज़ बचाए मैंने, देखे ज़रा मैंने पूरे 100 रुपये बचा दिए। अच्छा जी, ये मैंने, अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ। और एक्चुअली ये रैंडम शॉपिंग है, मतलब मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ग्रॉसरी नहीं है बस ऐसी मैंने निकली। ये जो है वो सेल्स गर्ल कह रही थी बहुत अच्छी क्रीम है, ये है, ये इंडियन फार्मूला है, क्यूटिश की है, वो कह रही थी बहुत डिमांड है इसकी। एवन क्या है, ये वाइटनिंग क्रीम है, ये आपके एज अ लेज़र यूज़ होती है, पॉलिश करती है स्किन को, पील ऑफ करती है, एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे भी यूज़ होती है और वाइटामिन मास्क के तौर। इतनी सारी क्वालिटीज़ एक क्रीम में, और वो भी सिर्फ मेरे ख्याल में कितने की है, 300 तक की आई है ये शायद, हाँ ऐसी ही आई है, टू समथिंग की है, मतलब 300 तक की है। अच्छा, ये मैं दिखाती हूँ मैं कौन सी मिठाई लेकर आई हूँ, आधा आधा पाव लेकर आई हूँ टेस्ट करने के लिए कि वाकई में अच्छी है या नहीं। उनकी एक अखरोट की मिठाई आई हुई थी, वैसे भी सर्दियाँ हैं तो मैंने सोचा कि मैं आप अखरोट की मिठाई ले लूँ, खा लूँ कैसी है, सही है। जी हाँ, ये है अखरोट की मिठाई, चेक करती हूँ कैसी है ये, दिखने में तो ऐसी है। यामी, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसे मुल्तानी सोन हलवा आपने खाया होगा हाफिज़ वालों का, वैसी ही टेस्ट है। ये जो है मिल रही थी तकरीबन कितना 200, एक तो मुझे प्राइस याद नहीं होती, 200 समथिंग की पाव कह रहे थे तो मैंने आधा पाव ली है टेस्ट के लिए। और दूसरी ये वाली, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे रहमत चीनी वालों ही भी बहुत पसंद है। इसमें इन लोगों ने हनी लगाया होता है,
बहुत ही मज़े की होती है। वेरी टेस्टी टेस्टी। यम्मी। ये देसी घी का बना हुआ है और ये नॉर्मल उसका। चलिए ये वीडियो इतनी थी, यही चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल लाई हूँ। अरे हाँ, एक लिपस्टिक भी है जो कि मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये रिवाज वालों की है, देखें ये आई है 170 की, प्राइस भी बहुत कम है। दिखने में कुछ ऐसी है, ये बहुत छोटी सी ऐसी स्मार्ट लिपस्टिक्स ना मुझे बहुत पसंद है। देखें इसको, ये है शेड नंबर 19 शेड नंबर था ये, तो 19 उल्टा लगाया हुआ। ये इस तरह का कलर है, थोड़ा सा रस्ट कलर है, ये लग रहा आपको पिंक होगा लेकिन ये रस्ट कलर है। बहुत अच्छा जाता है हर किस्म के कलर वालों के लिए, अच्छा चाहे आपके डस्टी कलर है, चाहे आपका फेयर कलर है, फेयर वालों के साथ तो हर चीज़ सूट करती है, चाहे आपका जो है वो डार्क ब्राउन कलर है, बट आपके साथ ये कलर ज़रूर सूट करेगा। 19 शेड है ये उल्टा है, उधर तो सही था, या तो 61 होगा, नहीं 61 भी नहीं हुए, 19 ही था वहाँ पर मैंने देखा था। और 170 की है ये, नॉट बैड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मैं इनकरेज होंगी, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचेगी। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा अपना। टाटा, बाय बाय।